भारत में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सामने आए भयावह मंजर लोग आज भी नहीं भूले हैं। अस्पतालों में बेडों की किल्लत, ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज, शमशान घाट में लगातार चलती चिताओं की तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश में कोरोना की तीसरी लहर के पीछे ओमिक्रॉन वेरियंट को जिम्मेदार माना गया था। उस दौरान भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कोरोना वायरस पर असर को लेकर कई सवाल उठे थे। अब एक बार फिर से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट BF.7 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरियंट BF.7 के अब तक केवल 4 मामले ही सामने आए हैं। कोरोना के BF.7 वेरिएंट के खिलाफ पुरानी वैक्सीन के कारगर होने की चिंता ने लोगों में डर बढ़ा दिया है। इसे लेकर हुई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कितनी कारगर है पुरानी वैक्सीन। सेल होस्ट और माइक्रोब जनरल की एक स्टडी के मुताबिक BF.7 वेरिएंट में वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडी को चकमा देने में सक्षम है। इस स्टडी के अनुसार BF.7 वेरिएंट में कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना अधिक प्रतिरोधक क्षमता है। अगर वैक्सीन से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी भी है तो भी ये वायरस उनको संक्रमित कर सकता है। कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में R346T म्यूटेशन होने से बने इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी असर नहीं करती है। BF.7 की R वैल्यू 10 से 18 के बीच है, जिसका मतलब है कि BF.7 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति अपने आसपास के 10 से 18 लोगों को संक्रमण फैला सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि कोरोना वायरस के अब तक आए सभी वेरिएंट में से BF.7 की R वैल्यू सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार और वैक्सीनेशन अपनाना चाहिए। लोग सावधानी बरतें तो इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से ये वेरिएंट भारत में मौजूद है, इसके बावजूद तभी तक BF.7 के 4 मामले ही सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया कि सभी तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए।